Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है सुखराज. आज इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है बायोटेक का बायोफ्रूट व्हाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक. ये जो फेस पैक है इसको मैंने काफी बार जो है वो यूज किया हुआ है. अपना वही जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ. आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फेस पैक है किस तरह का रिजल्ट देता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और ये जो फेस पैक है ना जो कुछ भी क्लेम करता है क्या वो सच में इतना ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, सभी के बारे में जो है मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी. तो चलिए वीडियो जो है उसको हम शुरू करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की. तो ये ना एक बहुत ही सॉलिड टाइप के जो है वो जार बॉक्स में आता है. मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का जो है वो फेस पैक है. देख सकते हैं गाइस, ये ना एक क्ले बेस्ड जो है वो फेस पैक है. कलर जो है वो इसका एक डस्की पिंक या रेडिश कलर का जो है ये फेस पैक है. ये जो फेस पैक है ना इसका एक एडवांटेज ये है कि ये ना एक आयुर्वेदिक फेस पैक है. इसमें ना किसी भी तरह के केमिकल का जो है वो यूज नहीं किया गया है. और जैसा कि ये फेस पैक क्लेम करता है कि ये ना स्किन को जो है वो व्हाइटनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, स्किन से पिगमेंटेशन एंड सन टैनिंग जो होती है ना उसको कम करने में हेल्प करता है. ये जो फेस पैक है इसको ना हर स्किन टाइप के लोग, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यूज कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इसमें गाइस है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, गेरू पाउडर, इसके अलावा इसमें है टोमेटो जूस, पाइनएप्पल जूस एंड और भी काफ़ी सारे जो है वो हर्ब्स इसमें यूज किए हुए हैं. काफ़ी के तो मैंने जो है वो नाम भी नहीं सुने हैं. और ये जो फेस पैक है ना ये 3 ईयर्स की जो है वो यूज बिफोर डेट के साथ में आता है. इस फेस पैक की अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं तो मुझे ना पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है. काफ़ी ना मेडिसिनल टाइप की जो है वो इसकी फ्रेग्रेंस है गाइस. बाकी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये जो मेरे हाथ में जो ये जार है ना ये है 75 ग्राम का, जिसकी कॉस्ट है 199 रुपीज़. एज यूजुअल मैं इसको हमेशा ऑनलाइन खरीदती हूँ तो मुझे ना वहाँ पे ये 139 रुपीज़ का मिला है. वैसे इसका MRP जो है वो 199 रुपीज़ है. तो चलिए ये जो फेस पैक है ना इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ और जानते हैं कि इसका किस तरह का जो है वो रिजल्ट आता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है एक क्ले बेस्ड जो है वो फेस पैक है. तो इसका एप्लीकेशन करने से पहले ना थोड़ा सा जो है फेस को गीला कर लेते हैं पानी से. अब ये जो फेस पैक है इसका हम एप्लीकेशन करते हैं. फेस पैक का एप्लीकेशन हो गया है. वैसे तो फेस पैक लगाने के बाद में बोला नहीं जाता है बट मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है. फेस पैक लगाने के अराउंड 5 मिनट के बाद ना मुझे स्किन में ना थोड़ा सा जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसा जो है वो फील हो रहा है. अब ये जो सेंसेशन है ना गाइस ये कॉमन है, मतलब काफ़ी नॉर्मल है. पहले जब मैंने इनिशियली इसको जब यूज़ करना शुरू किया था ना तो मुझे लगा शायद ये मेरी स्किन में ना सूट नहीं कर रहा है, जिसके कारण मुझे ना एक बर्निंग सेंसेशन जैसा जो है वो स्किन में फील हो रहा है. लेकिन ऑनलाइन ना काफ़ी जगह चेक करने के बाद में, काफ़ी रिव्यूज़ चेक करने के बाद में मुझे पता चला कि ये जो फेस पैक है ना काफ़ी सारे लोग जो हैं उसको ये बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो देता है. तो इट्स नॉर्मल, ऐसी कुछ घबराने वाली बात जो है वो नहीं है. तो चलिए ये जो फेस पैक है ना इसको हम अराउंड 15 से 20 मिनट्स के लिए जो है वो ड्राई होने देते हैं. ड्राई हो जाएगा उसके बाद में हम इसको जो वाइप ऑफ करेंगे एंड फिर देखते हैं इसका किस तरह का जो है वो रिजल्ट आता है. अराउंड 15 से 20 मिनट्स के बाद में ये जो फेस पैक है ना ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है. तो चलिए अब हम इसको ना रिमूव कर लेते हैं. फेस पैक को ना मैंने पानी से जो है वो कम्प्लीटली वॉश कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको इसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्लेन करूं. इसका रिजल्ट ये है गाइस कि फेस को वॉश करने के तुरंत बाद ना मुझे फील हुआ कि डेफिनेटली मेरे स्किन में ना एक इंस्टेंट जो है वो ब्राइटनेस आई. स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगी. लेकिन ये जो ब्राइटनेस है ना ये टेम्प्ररी है, मतलब अराउंड आधे घंटे के बाद में ये जो ब्राइटनेस है ना ये धीरे धीरे करके जो है वो कम हो जाती है. अब इस फेस पैक के ना अदर एस्पेक्ट्स जो है जैसे कि व्हाइटनिंग और डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल उसके बारे में हम बात कर लेते हैं.
डीपिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल के लिए ना आपको ये जो फेस पैक है इसको ना लॉन्ग टर्म के लिए, काफी दिनों के लिए, काफी हफ्तों के लिए जो है वो यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको आज लगाएंगे और कल आपकी पिगमेंटेशन या टैनिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। आपको ना इसको रेगुलर बेसिस पे डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में ना यूज करना पड़ेगा, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए। अब बात कर लेते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट है ना कोई स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट नहीं है। इसको यूज करने से आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, स्किन जो है वो गोरी नहीं होती है, किसी तरह की फेयरनेस जो है वो नहीं आती है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों वाइटनिंग मेंशन किया है, इंस्टेड वो स्किन लाइटनिंग मेंशन कर सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली ये सन टैनिंग को जो है वो थोड़ा कम करने में हेल्प करता है, जिसके कारण स्किन जो है ना वो लाइटन होती है, वाइटनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। ओवरऑल मैं बताऊं तो ये जो है एक आयुर्वेदिक जो है फेस पैक है, अच्छा है, आप यूज करके देख सकते हैं किस तरह का आपको रिजल्ट मिलता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस अगर आप ना स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस जो है देखना पसंद करते हैं, चैनल को ना जरूर से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।